क्यूट क्राफ्टर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड ग्रेट। एंड इसी के साथ मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मैरिड होते हैं उनके लिए एक स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल आने वाला है, विच इज करवा चौथ। बहुत सारी डेकोरेटिंग ब्यूटीफुल थिंग्स होती है एंड बाकी चीज़ तो थी मम्मी के पास। मम्मी ने हर साल जो एक न्यू करवा लेते हैं वो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे भी डेकोरेट कर दूँ ब्यूटीफुल सा लुक दे के। तो आज की वीडियो है इट्स ऑल अबाउट हाउ टू डेकोरेट करवा फॉर करवा चौथ। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन हिट किया हो, जैसे कि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आ गए हैं अपनी क्राफ्ट टेबल पे एंड सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे जो करवा था उसे लिया। अब ये देख सकते हैं आप काफ़ी सिंपल था। मम्मी के पास जो और बाकी की थाली वाली थी, कलश था दूसरा, और जो छन्नी थी जिससे देखते हैं पूजा होती है करवा चौथ की, तो वो सब रेड कलर का था। तो मैंने इसे सोचा इसे भी कुछ मैचिंग लुक देके रेड कलर यूज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल एक्रेलिक कलर कर रही हूँ एंड न्यूज़पेपर इसलिए रखा है क्योंकि मेरा ब्यूटीफुल सा टेबल ख़राब ना हो जाए। एंड देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से कवर किया। एक कोट काफ़ी थी, अगर आप चाहे तो दो कोट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक कोट मैंने इसलिए रखी क्योंकि मुझे उसके बाद थोड़ा पैटर्न वैटर्न करना था तो नीचे का नहीं दिखेगा, दैट्स वाई। एंड नहीं दिखा बाद में, इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग लुकिंग था मेरे को तो। एंड एंड लुक के देख के थे ना मम्मा बहुत लाइक क्या था क्या बना दिया टाइप। एंड ये अच्छे से मैंने इसको थोड़ा ऊपर से भी अंदर से भी रेड कलर किया, अंदर मतलब पूरा नहीं किया बस ऊपर 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 मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर यूज़ किया है। डस्ट में था मेरे पास ये, मेरे को हर बार ना डस्ट में मिल जाता है यार ये वाला कलर, तो बस मैंने फिंगर पे लिया एंड पेंट थोड़ा थोड़ा गीला ही था तो उसी पे लगा लगा के मैंने ये एक अच्छे से इसे कंप्लीट किया। गोल्डन के गोल्डन कलर अच्छा लगता है। पहले मैं यहाँ पे कलरफुल डॉट्स लगाने की सोच रही थी, फिर मैंने ऐसे ही गोल्डन किया, नहीं काफ़ी अच्छा लगा तो इसी से कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे मैं ग्लू इन की हेल्प से यहाँ पे मैं बॉल चेन स्टिक कर रही हूँ राउंड इसके राउंड। एंड ग्लू करने से वजह से मुझे थोड़ा जल्दी स्टिक करना था, बट मज़ा तो नहीं आया इसे स्टिक करके टू बी ऑनेस्ट, ये लेट वर्क कर रहे थे। एंड आप कोई और भी ग्लू जैसा आपकी चॉइस हो आप उस हिसाब से ग्लू यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोचा मैं पूरे प्रोसेस में ग्लू गन यूज़ करूँगी बट नहीं हो पाया क्योंकि ऑफकोर्स कभी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती कभी कम, तो मतलब ये अच्छी है बट कार्डबोर्ड थिंग्स के लिए ज़्यादा बेटर है टू बी ऑनेस्ट। एंड तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ब्यूटीफुल से सनफ्लावर्स बीड्स थे, इनको मैंने स्टिक किया मतलब जो चारों डायरेक्शंस है और फिर बीच में आठ एट बीड्स मान सकते हैं आप, एट स्टिक किए देख सकते हैं कम्प्लीटली स्टिक होने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे कौन ग्लूकोन है ये, इसमें फैब्रिक ग्लू है, बहुत बहुत अच्छा ग्लू है ये मेरे को, जैसे कि ये मिरर्स थे इनके साथ ही फ्री आया था तो इसी वजह से ये वाला यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा ग्लू था, एक बार लगा के ही अच्छे से स्टिक हो गए। मैंने यहाँ पे आई शेप मिरर यूज़ किए हैं, आई शेप तो नहीं है ये क्या बोलते हैं कोई सी भी शेप हो मतलब इस टाइप के यूज़ किए मैंने, और इसमें भी बहुत स्मॉल साइज़ है ये। दोनों सन फ्लावर्स के बीच में मैंने इसको अच्छे से स्टिक किया है एंड ये रैंडम मैंने ना लिटरली मैंने प्लान जो किया था उससे अपोजिट हो गया सब कुछ, जैसे जो मेरे हाथ में आया लिटरली मैंने वो किया। बस एक बॉल चेन थी जो मेरी प्लान में थी एंड लेस थी, देख सकते हैं ये मिरर वर्क कितना ज़्यादा अमेजिंग लुक दे रहा है। मतलब ये एक बात है, जैसे भी हम कुछ भी इंडियन फेस्टिवल डेकोर कुछ भी करेंगे उसमें मिरर डाल देंगे ना तो उस आर्ट वर्क में लिटरली जान सी आ जाती है। ये वाइट हाफ कट पल इज़ जस्ट अमेजिंग, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा हाफ सनफ्लावर टाइप, पहले तो मैं फुल भी सोच रही थी फिर हाफ ही इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है तो मैंने हाफ ही किया। फाइव पर्ल देख सकते हैं अच्छे से स्टिक किए, ये भी बहुत स्मॉल साइज़ है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है अच्छे से स्टिक करने के बाद। एंड देख सकते हैं ब्यूटीफुल लुकिंग। एक और दिखा देती हूँ मैंने यहाँ पे कौन से सिंपली ग्लू अप्लाई किया, एक एक उठा उठा के पर्ल यहाँ पे स्टिक किए, टोटल फाइव ही पर्ल स्टिक किए, बीच में तीन चार एंड हियर इट इज़ फाइव। एंड ये ग्लू भी काफ़ी अच्छा था, एक बार मतलब स्टिक किया छुटा नहीं, जो दूसरा नॉर्मल ग्लू होता है जो कि हम पेपर में यूज़ करते हैं वो थोड़ा गिरता रहता है, उसमें स्टिक होने में टाइम लगता है। एंड यहाँ पे मेरे पास ये कुछ वाइट कलर के डायमंड स्टोन्स बोल सकते हैं इस टाइप के थे, ये भी मेरे हाफ कट पल और इनके साथ ही आए थे, मतलब मैंने साथ में ऑर्डर किए थे, इनके बीच में स्टिक कर दिया, इससे भी बहुत अमेजिंग लुक आया। एंड फिर मैंने यहाँ पे ये कलरफुल बीड्स स्टिक करने की कोशिश की, मेरे को ये स्टिक करने थे कुछ अच्छा सा बट ये बिल्कुल मतलब एक जो नहीं अब तक का प्रोसेस था आई लव्ड इट बट इसके अच्छा सा नहीं लगा तो मैंने निकाल दिया। एंड फिर लिए मैंने स्मॉल सर्कुलर मिरर एंड इसको स्टिक किया एंड अगेन मिरर इज़ लाइक वाव, मिरर से ऑब्वियसली जान आ ही जाती है किसी भी आर्ट पीस में।
एंड जो ये मैं यहाँ जहाँ पे बीट्स मैंने स्टिक की थी वहीं पे मैं राउंड इसको कंप्लीट करके सर्कुलर मिरर स्टिक कर दूंगी बहुत सारे। एंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड अब बस मेरे को याद आया कि मैंने लेस भी ली थी इसके लिए, एंड फिर मैंने यहाँ पे लेस इसके स्टिक की कुछ इस तरीके से एक्सेस कट कर दिया। यहाँ पे मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है, ये मक्खी मेरे को बहुत लिटरली बहुत परेशान कर रही थी। पंखा भी चल रहा था ना यार, क्या इन मक्खियों को आजकल। मैंने चारों डायरेक्शन में स्टिक की लाइक जैसे प्लस टाइप बना के, यहाँ पे मैंने इसको ग्लू गन से ही स्टिक किया है सब, क्योंकि ये इजी स्टिक हो जाए इसी वजह से। फिर मैंने सोचा अब और ऐसे भी रख सकते थे, फिर मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा सा और करते हैं। फिर मेरे पास ये ब्यूटीफुल से पिंक स्टोन रखे हुए थे, इनको स्टिक किया एंड चारों डायरेक्शन में हाफ कट पर्ल स्टिक किए एंड ट्राइंगुलर मिरर स्टिक किए इनके बीच में, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इट्स डन, देख सकते हैं। अब मैं बाकी का प्रोसेस सब में सेम कर लूँगी एंड दिस इज हाउ इट लुक, देख सकते कितनी मतलब लिटरली आई लव्ड इट। मैंने एक भी चीज़ इसमें प्लान करी थी सिवाय बॉल चेन के, एंड जस्ट अमेजिंग यार, मुझे तो लिटरली प्यार हो गया। देख सकते कितना मतलब बस क्या ही बोलूँ यार, मज़ा आ गया। सिंपल भी है एंड ब्यूटीफुल भी है, मतलब ये मम्मी ने लिया था 40 रुपीज़ का एंड ये अब ऐसा हो गया 140 रुपीज़ का भी मैं बेचूंगी तो कोई भी इसे ले लेगा। एंड अब इसके ऊपर की जो ढपली या पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, आई डोंट नो, इसको भी मैंने रेड पेंट किया। फिर इस पर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने सोचा यार हम उस पर भी मेरे को ओम वगैरह बनाना चाहिए था बट आई फोकट, तो मैंने सोचा इस पे ही सिर्फ ओम ही बनाऊंगी, सिंपल लुक रखूंगी। तो व्हाइट कलर से पहले भी बना हुआ था आई नो, बट मैचिंग का रेड करना था एंड वो अच्छे से नहीं बना हुआ था ओम, तो मैंने इसको अच्छे से बनाया। फिर साइडों में ये लाइंस मैंने ऐसे ही वाइट एक पैटर्न, रेड एंड वाइट इज लुकिंग सो अमेजिंग, तो बस मैंने ऐसे ही इसमें लाइंस एंड लाइंस कर दी। एंड बस इसमें मैंने कुछ स्टोन वगैरह यूज नहीं किए एंड इट्स कंप्लीट डन। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आई होप आपको आइडिया इजी एंड मतलब अच्छा लगा हो। मैंने जितना हो चुका उसको उसको सिंपल एंड इजी रखने की कोशिश की है एंड मेरी मम्मा तो लव्ड इट। एंड हियर इट इज़ आर कलाकारी एंड ये धूप में और भी अमेजिंग लग रहा है। ये ऊपर का सिंपल रखा है मैंने, ज़्यादा थाम थाम नहीं किया। एंड दिस है ना अमेजिंग, इसमें स्पेशली सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, ये ब्यूटी, ये सन हाफ फ्लावर टाइप, जस्ट लव्ड इट। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हम डेली वीडियो तो लाते रहते हैं, तो मिलते हैं कल, बाय बाय।